हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल कॉर्नर टू कॉर्नर। सो आज हम एक बढ़िया सी जगह पे आए हैं, आप ऊपर देख सकते हो कुल्फी वाला, और आज यहाँ पे हम बढ़िया सी कोई कुल्फी खाएंगे। देखते हैं, इनके पास बहुत सारी वैरायटीज हैं, सो खाएंगे बढ़िया सी कुल्फी और पूछते हैं कि यहाँ पे कितना टाइम हो गया और उसकी कॉस्ट बताते हैं आपको कितनी है। सो चलते हैं। यहाँ पे बहुत टाइम से मेरे को मन कर रहा था कुल्फी खाने का, और सर्दी में कुल्फी खाने का मज़ा ही कुछ और है। सो यार, मेरे को गर्मी लग रही थी इसलिए मैंने जैकेट उतार दिया, लेकिन आज सर्दी में कुछ ठंडा खाएंगे बढ़िया सा और देखते हैं कि कैसे बनते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज़ हैं कुल्फी की, तो अंदर चलते हैं और कॉस्ट बताते हैं आपको कितनी है और उसका टेस्ट बताते हैं सबसे बड़ी बात कि कैसा है। पहले भैया से पूछते हैं कि कुल्फियों के इतने नाम कैसे सोचे और कैसे बनाई। सो भैया, ये जितने भी आपने नाम लिखे हैं 60, तो मतलब ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, सिर्फ 60 है मैक्स। ये जो आपकी 200 और 150 जा रही है, ये कॉस्ट किसकी है? वो स्टफ कुल्फी की। स्टफ कैसे बनाते हो आप? स्टफ के अंदर आम के अंदर जो उसकी गुटली निकाल कर उसके अंदर जो है रबड़ी भरी जाती है। और आपको यहाँ पे कितना टाइम हो गया? 5 साल। 5 साल जो आप यहाँ पर। सो मेरे को एक बात और बताओ कि जो आप ये मटकी वाली बनाते हो, ये मटकी में जो आती है, ये कैसे, मतलब इसमें क्या डालते हो? इसमें केसर पिस्ता रबड़ी होती है। केसर पिस्ता रबड़ी होती है जी। अच्छा, और फलूदा वगैरह सब है यहाँ पे? फलूदा वगैरह सब है जी। और मतलब जैसे गुलकंद की होगी तो उसमें गुलकंद डालोगे? गुलकंद। अच्छा, तो हर कुल्फी के अंदर जो आप पान फ्लेवर है उसमें पान का फ्लेवर आएगा आपको, पान होगा उसमें, मैंगो में मैंगो का फ्लेवर है, अनार में अनार का रस है। अच्छा, और गुलाब जामुन भी रखे हुए हैं? गुलाब जामुन भी है। बस यही, मतलब मीठे में आपने यही रखा हुआ है कि आपको यहाँ पर 5 साल हो गए, तो सर्दियों में भी जैसे कि आपकी शॉप खुली होती है, तो सर्दियों में काम कैसा चलता है? सर्दियों में अभी सर्दी के हिसाब से तो वैसे तो थोड़ा बहुत जो है काम नहीं, इतना नहीं हो पाता जो मतलब ये कोरोना की वजह से कह सकते हो या सर्दियों की वजह से? दोनों की वजह से कह सकते हैं। अच्छा, और मतलब आपका पूरे सीजन ही यही रहता है जी, तो आप देख सकते हो, खा सकते हो। अच्छा, एक बात और पूछेंगे भैया आपसे कि आप यहाँ पर जैसे ऑर्डर वगैरह का, तो आपने बताया कि स्विगी और जोमेटो पर ऑर्डर नहीं कर सकते, पिघल जाएगी, तो ये बात बताओ कि शादियों में कैटरिंग वगैरह का कैसा? जी, कैटरिंग में होती है, कुल्फी कैटरिंग करते हैं। अच्छा, कैटरिंग करते हैं, फ्री होम डिलीवरी करते हैं। सो आप हाँ यहाँ पे आके बुक भी कर सकते हो, पहले टेस्ट करके देखना, अच्छा लगेगा तो करना ज़रूर। और ये बात भैया, मेरे को एक बात और बताई थी किसी ने कि जैसे आपसे कुल्फी पैक कराई, तो वो कुल्फी आप जैसे बता रहे थे कि घर लेके जाओगे वो मेल्ट नहीं होगी, उसमें क्या करते हो आप? उसके अंदर आइस लगा के देंगे आपको, आइस और नमक। अच्छा, कुल्फी के अंदर। ओके, थर्माकोल का बॉक्स होता है उसमें, थर्माकोल का बॉक्स उसके अंदर पैक करके आपको जो देंगे वो मेल्ट। तो उसका कुछ एक्स्ट्रा चार्ज है या? नहीं, उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं। ओके, सो देखते हैं यार, मेन्यू आपने देखा है अभी, कुछ ज़्यादा कॉस्टली नहीं है यहाँ पे। गाइस, मैंने आपको पहले भी बताया था, दे हैव डिफरेंट वैरायटीज ऑफ कुल्फी। सो आप देख सकते हो, ये हमारा रबड़ी फलूदा है, बहुत बढ़िया लग रहा है यार, रुका नहीं जा रहा। एंड ये हमारी राजस्थानी कुल्फी है, ये हमारा केवड़ है, डॉलर फ्रूट क्रशन। ओके, सो ये भी ट्राई करेंगे। और ये आप देख सकते हो, ये एप्पल, मैंगो और ग्वावा है, सबसे यूनिक आइटम ये लगी, लेकिन ये फ्रूट्स पे अभी मैं फिलहाल नहीं खाने वाला। सो भैया से पहले पूछते हैं, लगी मेरे को ये सीताराम बाजार की आइटम है। अच्छा, सीताराम बाजार से हमारा सारा सामान आता है। अच्छा, तो वहीं से आपने सोचा? वहीं से कि मतलब आप इसमें स्टफिंग कैसे करते, कैसे भरते हो? एप्पल को ऊपर से छील के, हाँ, तो बीच में से काट के, काटा जो है रबड़ी भरी जाती है उसमें। अच्छा, तो तीनों में ही सेम है तीनों रबड़ी है, बस ये है कि आप कौन सा फ्रूट खाना चाहते हो उसका टेस्ट, फ्लेवर सबका अलग। और इनका रेट इनका है, इसका है 150, इसका सबका, तीनों का रेट भी सेम है 150। सो ट्राई कर सकते हो, पर मैं अभी फ्रूट नहीं खाने वाला, हम ये खाएंगे। सो ये हमारा रोलर है, आपको इसकी कॉस्ट भी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। सो ये केवड़ा है, और इसमें यार खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, मुंह में जाते ही मेल्ट हो गया, आप देख सकते हो। और इन्होंने अपना जो मसाला बनाया हुआ ना, उसका खट्टा मीठा बना रहा है, तो बहुत ही बढ़िया है ये। सो खाया ही अभी हमने, और आपको इसकी कॉस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो अब ये ट्राई करते हैं राजस्थानी, इसमें भी ये कौन सी होती है, केसर पिस्ता वाली होती है, ये केसर पिस्ता होती है। और इसमें एक खासियत है कि ये मटके में है, मटकी जो है, इसमें मटकी का आपको टेस्ट आएगा। सो इसके ऊपर ये बादाम काट के डाले हुए हैं ना भैया आपने? बादाम पिस्ता।
बहुत लाइट फ्लेवर है, तो बढ़िया टेस्ट है यार भैया। सो हमारा रोलर है, रोलर ट्राई करेंगे, उसके बाद अपना फेवरेट रबड़ी फलूदा ट्राई करेंगे। सो इसमें वैसे भैया होता क्या क्या है? इसके अंदर सर रबड़ी होती है, रबड़ी होती है, और रबड़ी के ऊपर जो फ्रूट्स होते हैं। कौन कौन से फ्रूट डाले हुए वैसे? अनार, अच्छा, मैंगो, मैंगो, चीकू, पपीता, तरबूज, अलग अलग तरीके के फ्रूट्स होते हैं रबड़ी में। बहुत ही बढ़िया टेस्ट है इसका भी यार। भैया मतलब ये आइडियाज़ जो आपके पास आए हैं, मैं भैया आपको भी ये कहना चाहूँगा, बहुत अच्छे आइडियाज़ हैं ये, बिल्कुल आप फ्रूट कुल्फी कह सकते हो एक तरह से। बहुत ही अच्छे फ्लेवर्स हैं इसके अंदर, आपको हर फ्रूट का टेस्ट आएगा इसके अंदर जैसे ये मुंह में जाएगी और मेल्ट होगी। मज़ा आ गया खा के। मैंगो का टेस्ट लास्ट में बहुत आ रहा है इसमें, तो मतलब भैया मेरे हिसाब से मैंगो ज़्यादा डाल दिया आपने। सो इसको ट्राई करेंगे, देख सकते हो इसे कहते हैं फलूदा, आप देख सकते हो। बहुत ही लाइट फ्लेवर है, कुछ मतलब चीनी ज़्यादा नहीं है बिल्कुल भी। मिल्क वाटर, स्टिक कुल्फी है, स्टिक कुल्फी है, अच्छा। सो ये केसर पिस्ता है, मिल्क बॉटल है, ये इसका प्राइस क्या भैया? 40 रुपीज़। 40 रुपीज़ की है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, और इसका टेस्ट मेरे को पता है बहुत बढ़िया होता है। थैंक यू भैया। सो चैनल को यार सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, और शेयर कर देना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा आपको। और मिलते हैं, स्टे ट्यून्ड विद अस एंड कीप सपोर्टिंग गाइस। बाय।